सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एएमआई ऑर्गेनिक्स एंड विजया डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 4 सितंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एएमआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 1 से 3 सितंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 603 से 610 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 610 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट में करीब 24 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 120 से 125 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 610 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 125 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 735 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम वापस से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम मात्र 25 से 30 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आता था, लेकिन समय के साथ ये बढ़ता गया और इसका जो हाईएस्ट प्रीमियम है करीब 150 रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि हाईएस्ट प्रीमियम से देखा जाए तो थोड़ा सा गिरावट इसमें दिख रही है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो यहां पर प्रीमियम ठीक ठाक है, क्योंकि पिछले जो आईपीओस थे उनकी लिस्टिंग थोड़ी खराब होती हुई नजर आई थी, डिस्काउंट प्राइस पर वो लिस्ट होते हुए नजर आए थे, उसके बावजूद इसमें प्रीमियम काफी तगड़ा चल रहा है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी काफी बेहतरीन है और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई आपको करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन से या फिर आप घबराते नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे हो जाए उसके बाद ऊपर जाए, तो फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको सलाह शुरू से ही दी गई थी और देखिए यहां पर प्रीमियम थोड़ा बहुत ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसे होती है। बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। नेक्स्ट आईपीओ है विजया डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड का आईपीओ और यह आईपीओ भी 1 से 3 सितंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 522 से 531 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 531 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 28 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर भी मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम मात्र 4 से 5 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 531 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 5 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 536 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए शुरू से ही आपको बोला जा रहा है कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम चल रहा है यहां पर आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और देखिए हो सकता है ये आईपीओ डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हो जाए, तो इस बात को भी अपने माइंड में आपको बिठा के रखना चाहिए। हालांकि कंपनी काफी बेहतरीन है तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए आपको इस कंपनी में तभी अप्लाई करना है जब ये डिस्काउंट प्राइस पर अगर लिस्ट होता है या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो आपको चिंता नहीं होगी, तभी आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए बोला गया था। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ अच्छा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें सब्सक्रिप्शन काफी कम हुआ है रिटेल कैटेगरी में, यानी कि सबको ही आईपीओ अलॉट हो जाएगा जिसने भी अप्लाई किया है। तो देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसे होती है। यहां पर प्रीमियम के अनुसार तो लग रहा है कि ये डिस्काउंट प्राइस पर ओपन होगा और डिस्काउंट प्राइस पर ओपन होने के बाद इसमें काफी बढ़िया तेजी भी आती हुई नजर आएगी। तो देखिए ये आपके लिए इस आईपीओ के बारे में अपडेट है। जो करेंट के आईपीओ चल रहे हैं उनके बारे में डेली अपडेट में आपको प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।